नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आई ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ कटपला पर, जहां पैदल यात्री गुजरते हैं वहां पर कुछ बुकारियों ने इस तरह का धंधा बना रखा है। ये जो महिला के बच्चे हैं, ये जो तीन दिखाई दे रहे हैं, जिस महिला के बच्चे हैं ये पहले चरस गांजा बेचती थी, उसी के ये बच्चे हैं। आगे वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये बच्चे करते क्या हैं। ऊपर से जो पैदल यात्री गुजरते हैं उनके पैर पकड़ के चिपट जाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक इनको पैसे नहीं दिए जाएं। इस तरह का धंधा काफ़ी समय से फलपूर रहा है, कोई इसी तरह की शिकायत नहीं करता है। कभी कभी तो बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग व्यक्ति इनके चुंगल में फंसकर गिर भी जाते हैं और चुटैल भी हो जाते हैं। इनका धंधा काफ़ी वर्षों से फलपूर रहा है। ये देखिए बच्चे उछल कूद रहे, इस महिला के पैर पकड़ लिए थे और फिर इनसे पैसे देने, देखिए सब नंबर बाद महिला से पैसे ले रहे हैं और तब इस महिला को इन बच्चों से छुटकारा पाया है। ये बच्चे देखिए अब ये कहाँ जा रहे हैं इन पैसों को लेकर के, आपको वो भी पूरा नज़ारा हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखो तीनों बच्चे, ये जो महिला यहाँ बैठी हुई है ये पहले चरस गांजा बेचती थी, हमारे जेल भी जा चुकी है महिला। ये काफ़ी समय से भटकी और ये महिला को पैसे देकर फिर अपने उसी स्थान पर चले गई।